हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बर्निंग स्टडी। हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो वैकेंसीज आने वाली थी मई के फर्स्ट वीक में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो हमारे एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आने वाली थी वो फर्स्ट वीक में आने वाली थी, मई के फर्स्ट वीक में। तो आज 7 मई हो चुकी है और शाम के 2:43 भी हो गई हैं, मतलब अभी तक इन्होंने कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं निकाला है। लेकिन आप देखोगे, हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो कुछ देखने को मिला मुझे। देखिए, हमने रिफ़्रेश करने के बाद में जैसे ही नोटिफिकेशन पेज पे आते हैं, तो ये जो नोटिफिकेशन पेज है इसमें हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए जो सर्विस क्या दिखा रहा है, अनअवेलेबल। मतलब ये नहीं, सारे कोई से पे भी क्लिक कर लीजिए आप, सर्विस को अनअवेलेबल दिखा रहा है। मतलब क्या लगता है कि भाई वो या तो इस वेबसाइट में अभी इस टाइम पे कुछ अपडेट कर रहे होंगे, तो अपडेट अगर कर रहे हैं तो क्या अपडेट कर रहे होंगे, क्योंकि हमें पता है आज हमारे फॉर्म आने वाले हैं, तो शायद ये फॉर्म के लिए ही अपडेट कर रहे हों। हमारा नोटिस जल्द ही हमें देखने को भी मिल जाएगा और शायद आज शाम तक आपके ये फॉर्म है वो भरने भी स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि देखो कोई भी जो नोटिस है वो नहीं खुल रहा है, सभी में सर्विस अनअवेलेबल का ऑप्शन में शो हो रहा है। तो शायद कहीं ना कहीं वो इस वेबसाइट पे अभी काम कर रहे हैं, है ना। अगर वो काम अगर कर रहे हैं, आज उनका काम अगर पूरा हो जाता है, तो शाम तक ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो फॉर्म है वो देखने को मिल जाएंगे, और आप यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड्स डाल के और ये कैप्चा फिल करके लॉगिन करके अपना फॉर्म भर पाओगे। जैसे ही हमारे इनका नोटिफिकेशन जारी होता है, हम एक वीडियो और लेके आएंगे, इसमें पूरी ब्रीफ में डिटेल मिलेंगी कि क्या क्या एज का क्राइटेरिया होने वाला है। वैसे तो सभी को पता ही है एज का क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, फिर भी कुछ नए स्टूडेंट हैं अगर उनको नहीं पता है तो एक बार नोटिस आने दो, उसके बाद में सारी जानकारी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही है भाई, कि आपके जो हैं अभी देखिए, आप खुद देख लीजिए, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा, आप कोई भी नोटिस खोल लीजिए, कोई भी नोटिस ओपन नहीं हो रहा है। मतलब वो अभी इस वेबसाइट में कुछ ना कुछ अपडेट कर रहे हैं, और अपडेट करने का मतलब ये है, इन्होंने एक प्रोमिस डेट दी थी कि भाई फर्स्ट वीक, मतलब मई के फर्स्ट वीक में हमारे एसएससी जीडी के जो फॉर्म है वो निकाल दिए जाएंगे। तो आज 7 मई है, लास्ट डेट है, तो आज शायद हमारे फॉर्म देखने को मिल जाएं। ये हो सकता है आज ना भी देखे, कल देखने को मिल जाएं, क्योंकि 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है एसएससी के लिए, ठीक है। तो भाई आज आपके पूरी संभावना है कि आपके फॉर्म जो है वो शाम तक या कल मॉर्निंग तक तो शायद आ ही जाएंगे आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और फिर भी नहीं आते हैं तो भाई एसएससी है एक नोटिस जारी और कर देगा, क्योंकि एसएससी नोटिस ही जारी करता है और कुछ नहीं, डेट को मतलब पोस्टपोन पे पोस्टपोन करते रहते हैं। तो ये भाई कोई बड़ी बात नहीं इनके लिए, तो इनको एक नोटिस जारी करना होता है बस। तो भाई आज आपकी पूरी पूरी उम्मीद है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम एक ऑफिशियल, बिल्कुल नोटिफिकेशन आने के बाद में एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन होंगी कि क्या क्या क्राइटेरिया है, फॉर्म को कैसे कैसे फिल करना है, उस पर भी एक हम एक वीडियो बना देंगे। तो गलती मत करना, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, एक छोटी सी गलती की वजह से वो रिजेक्शन हो जाता है उनका फॉर्म, और वो फॉर्म मतलब उनकी जॉब भी हाथ से निकल जाती है। तो ऐसी गलती मत करना, एक बार थोड़ा वेट करना फॉर्म निकलने के बाद में, 1-2 दिन के बाद में ही फॉर्म को भरना, पर सारी वीडियो देख के कि किस किस तरीके से फॉर्म को हमें भरना है, उसके बाद में फॉर्म को भरना। और वैकेंसी जो है वो सुनने में आ रहा है कि 55 से लेके 60 हज़ार तक वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती हैं, और आपको इस बार दो चीज़ें नहीं मिलेंगी, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, दो चीज़ें आपको इस बार नहीं मिलने वाली हैं। एक तो एनसीसी के मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, एक नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। तो भाई जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम तुरंत की तुरंत एक वीडियो बना देंगे, और आप अच्छे से, बस यही है कि फॉर्म भरो तो अच्छे से देख के केयरफुली फॉर्म को भरना, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।